सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर संभल ही नहीं पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फिरोज खान ने कहा कि आज पूरा देश व अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी उनके निधन पर रो रहे हैं। नेताजी को खासकर संभल के लोग तो हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि नेताजी संभल से 2 बार सांसद रहे हैं व यहाँ से उनके परिवार को भी बहुत प्यार था। संभल के लोग आज रो रहे हैं। फिरोज खां अपने साथियों सहित नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैफई रवाना हो गए हैं। और भी लोग भारी संख्या में सैफई जा रहे हैं। इस मौके पर जबर सिंह यादव, वीरेश यादव, आरिफ खां, सलीम, वसीम, मोनिस, अब्बास खां, सुधीर, धीरज आर्य, राकेश, राजेश, गौरव यादव आदि लोग शामिल रहे। देखिए, आज पूरा देश रो रहा है और बड़े दुख का विषय है कि आज करोड़ों करोड़ों नौजवानों और किसानों के नेता, और आपको मैं बता दूं कि ये पहला मौका है जो हम देख रहे हैं राजनीति में कि विपक्षी पार्टी के लोग भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर आज नेताजी के निधन पे शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं कि ऐसा नेता अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नेताजी धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने एक साधारण जीवन से लेकर शिक्षक के रूप में लेकर, और उन्हें कुश्ती का शौक़ था, बहुत नेताजी को शौक़ था, पढ़ाने लिखाने का बच्चों को शौक़ था कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश को बढ़ाने में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आज करोड़ों करोड़ों नौजवान किसान नेताजी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, रो रहे हैं। और संभल से खास तौर से उन्हें लगाव था, क्योंकि संभल से 2 बार आदरणीय नेताजी सांसद रहे और उनके परिवार को विशेष लगाव संभल से है। मैं समझता हूँ नेताजी की यादें पूरे हिंदुस्तान को हमेशा याद रहेंगी, और आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के बाद में दूसरा किसी का नाम अगर नेता की उपाधि थी तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की। मैं आज उनको श्रद्धासुमन हमने उनको अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है, और देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं आज सैफई उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।